हाय एवरीवन, सो ये जो वीडियो है ना उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं, कर रहे हैं या कर चुके हैं। आप सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है इसके बारे में जानना। एम्स में जितने भी ब्रांचेस है सभी में नर्सिंग ऑफिसर बनने के लिए आपको नॉसेट देना होता है, ठीक है, जिसकी एप्लीकेशन अभी आई है। और अभी आप बीएससी नर्सिंग के लिए कोई एंट्रेंस देने वाले हैं, उसकी प्रिपरेशन करने वाले हैं, तो भी आप ये वीडियो देखें क्योंकि आपको एडवांस में इसकी इन्फॉर्मेशन होगी और इसके लिए आप बहुत पहले से ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। देखो, थोड़ी थोड़ी प्रिपरेशन आप अभी से स्टार्ट कर सकते हो क्योंकि एट द एंड आपको एक अच्छे रेप्यूटेड हॉस्पिटल या इंस्टीट्यूट में नर्सिंग ऑफिसर के लिए या फिर नर्स पोस्ट के लिए ही अप्लाई करना है, अगर आप बीएससी नर्सिंग या जीएनएम वगैरह कर रहे हो। सो क्यों ना आपको पहले से अगर इंफॉर्मेशन हो तो उससे आप अवेयर रहोगे और आप फ्यूचर के लिए पहले से ही प्रिपेयर्ड होना स्टार्ट करोगे, खुद को प्रिपेयर करना शुरू कर दोगे, जिससे एट द एंड 3 साल 4 साल जब भी आपका ओवर हो उसके बाद आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। उसके लिए आपको एक्स्ट्रा 1 साल 2 साल इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि जो एग्ज़ाम्स होते हैं रिक्रूटमेंट के लिए उसमें आपके कोर्स रिलेटेड क्वेश्चन ही होते हैं। तो अगर आप बीएससी नर्सिंग के लिए एग्ज़ाम दोगे रिक्रूटमेंट का, तो उसमें बीएससी नर्सिंग में जितना भी आपने पढ़ाया है वही आपको वहाँ पर एग्ज़ाम देना पड़ेगा। इसमें मैं आपको कट ऑफ भी बताऊंगी, नॉर्सेट में जो 200 मार्क्स का एग्जामिनेशन होगा उसमें से कितने मार्क्स आपको स्कोर करने हैं ताकि एम्स के डिफरेंट ब्रांच में आपका रिक्रूटमेंट हो पाए नर्सिंग ऑफिसर के लिए, राइट। सो आइए स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे सबसे पहले आप देख पा रहे हो नर्सिंग ऑफिसर पोस्ट नॉर्सेट, ये एग्जामिनेशन का नाम है। दिल्ली का जो एम है वो एग्जामिनेशन कंडक्ट कराती है, नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, राइट। इस एग्जामिनेशन के थ्रू आप नर्सिंग ऑफिसर पोस्ट के लिए रिक्रूट होते हैं। यहाँ पे लेवल 7 आपकी सैलरी होती है, 4600 आपकी ग्रेड पे है। अब यहाँ पे आपको अलाउंसेस दी जाएगी, एचआर जितने भी अलाउंसेस होती है प्लस कुछ डिडक्शंस भी होंगे, लेकिन अगर हम आपको ओवरऑल बताएं तो 70,000 प्लस आपकी सैलरी यहाँ पे होती है साइज़ से एड ऑन एंड डिडक्शन के बाद, ठीक है। तो सैलरी काफ़ी अच्छी है एंड हर साल आपको 3% का इंक्रीमेंट भी होता है। सो ग्रोथ काफ़ी अच्छा है, सैलरी काफ़ी अच्छी है, पोस्ट काफ़ी अच्छी। सो बस आपको नॉर्सेट एग्जामिनेशन क्लियर करना पड़ता है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्वालिफिकेशन के बारे में ऑलरेडी आप जानते होंगे जो लोग भी प्रिपरेशन कर रहे हैं। सो बीएससी नर्सिंग चाहिए होती है या फिर पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग। इसके साथ साथ अगर आपने डिप्लोमा किया है, लाइक आपने आपके पास बीएससी नर्सिंग की डिग्री नहीं है लेकिन डिप्लोमा किया है, जीएनएम किया है, तो जीएनएम के केस में जीएनएम के साथ साथ आपके पास 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए और वो जो वर्क एक्सपीरियंस है वो 50-bedded हॉस्पिटल। अब यहाँ पे लाइक आप किसी हॉस्पिटल में एक्सपीरियंस आपने लिया है लेकिन वहाँ पे 50-bedded हॉस्पिटल नहीं है, 50 बेड से कम है, तो वो यहाँ पे कंसीडर नहीं किया जाएगा। सो 2 साल का जो एक्सपीरियंस होगा वो मिनिमम 50-bedded हॉस्पिटल का होना चाहिए एंड जीएनएम होना चाहिए, ठीक है। तो ये सेकेंड रिक्वायरमेंट है, अगर आपने बीएससी नर्सिंग किया तो उसके लिए कोई एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। एज लिमिट है यहाँ पे 18 to 30 years। सो ये जनरल वालों के लिए है, बट अगर आप किसी कैटेगरी में आ रहे थे, किसी भी कैटेगरी को अगर आप बिलोंग कर रहे हो, डिपेंडिंग लाइक अगर आप ओबीसी से बिलोंग कर रहे हो तो ओबीसी के लिए यहाँ पे रिलैक्सेशन रहेगा 3 years के लिए। तो 30 आपके मैक्सिमम एज लिमिट है, 30+3 years आपका मैक्सिमम एज लिमिट रहेगा ओबीसी के लिए। इसी तरीके से एससी एसटी के लिए 5 years है। सो वो सारी चीज़ें मेंशन है, आगे हम दिखा देंगे आपको। पीडब्ल्यूडी के लिए 10 years होता है प्लस अगर आप किसी रिजर्वेशन में आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। सो एप्लीकेशन फीस यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा होती है जो कि आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं, 3000 आपको पे करना है अगर आप जनरल एंड ओबीसी से बिलोंग कर रहे हैं, बट SC ST EWS कैटेगरी के लिए 2400 रुपीज़ है। PWD के लिए यहाँ पे कोई फीस नहीं है, आपको कोई एप्लीकेशन फी यहाँ पे नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। देन आगे हम देखते हैं, यहाँ पे कुछ जनरल कंडीशंस है अबाउट एप्लीकेशन फॉर्म, आपको ऑनलाइन ही फिल करना है, ऑफलाइन मोड अवेलेबल नहीं है। तो ऑफलाइन अगर आप चाहते फिजिकल फॉर्म फिल करना तो वो पॉसिबल नहीं है, ऑनलाइन ही आपको फॉर्म फिल करना है, जो भी एप्लीकेशन फ़ी है वो पे करना है। सो डेट यहाँ पे मेंशन है, 12th से स्टार्ट हो गया है, 12th अप्रैल से 5 मई तक आप फॉर्म फिल कर पाओगे, शाम तक फॉर्म फिल कर सकते हो अगर आप 5th को इनकेस फॉर्म फिल कर रहे हो, तो हो सके तो जल्दी ही आप फॉर्म फिल कर लो क्योंकि लास्ट मोमेंट में सर्वर डाउन हो जाता है, बहुत सारे इश्यूज़ होने लगते हैं। कलेक्शन डेट यहाँ पे गिवन है 6 मई to 8 मई, ठीक है। तो ये ड्यूरेशन है प्लस बाकी आपके ये सारी चीज़ें, आपकी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो सारी यहाँ पे गिवन है। ये जो PDF का लिंक है मैं टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर करूँगी, तो वहाँ पे आप ज्वाइन हो जाना, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ से आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। एज रिलैक्सेशन के बारे में यहाँ पे गिवन है, बाकी
सो यहाँ पे पैटर्न एंड स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन गिवन है. स्कीम की बात करें तो जैसे कि आपका एग्जामिनेशन 3 घंटे का होता है, 180 मिनट्स मिलते हैं. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं, 200 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे आपके, 200 क्वेश्चंस होंगे, 200 एमसीक्यू पूछे जाएंगे. एंड यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग आप देख सकते हो 1/3 होगी. प्लस यहाँ पे क्वालिफाइंग मार्क्स भी होता है डिपेंडिंग कि आप किस कैटेगरी में हो. बट यू नो व्हाट, ये जो क्वालिफाइंग मार्क्स है ये उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है जितना आपका कट ऑफ इम्पॉर्टेंट है. इससे आप पास तो कर लोगे लेकिन आप रिक्रूट नहीं हो पाओगे. सो इट्स बेटर कि आप कट ऑफ को क्लियर करो. सो कट ऑफ क्या है वो भी मैं आपको लास्ट में बताऊंगी. बाकी ये सारी इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हो. रिजोल्यूशन क्या है टाई केसेस में, ये 2 केसेस गिवेन है. सिलेबस की बात करें तो ऑफकोर्स आपका जो नर्सिंग में जो सिलेबस है जो आपने पढ़ा है वही यहाँ पे पूछा जाता है, ठीक है. देन एक चीज़ और यहाँ पे है, there may be a situation where a candidate is qualified but not eligible for any or all participating institute hospital. So यहाँ पे कह रहा है कि अगर आप NORSET clear भी कर लेते हैं, ठीक है, NORSET clear भी कर लेते हैं, but अगर आप eligible नहीं हो ना तो किसी भी institute में आप recruit नहीं होंगे. तो पहले तो आप eligibility check करो जिसमें आपकी qualification आ जाएगी, age limit आ जाएगी, ये दोनों चीज़ आप check करो. अगर आप इस eligibility को fulfill कर रहे हो then definitely आप यहाँ पर recruit होंगे अगर आप cut off को beat करते हो. यहाँ पर आप देख पा रहे हो डिफरेंट ब्रांचेस है एम्स की, लाइक एम्स बथिंडा. सो ये बेसिकली एड्रेस गिवन है यहाँ पे बथिंडा का, भोपाल, भुवनेश्वर, बीबी नगर, बिलासपुर, और ये सारे जो आपके इंस्टीट्यूशंस हैं इन सभी में रिक्रूटमेंट होगा, ठीक है. सभी में इक्वल नंबर ऑफ वैकेंसी नहीं है, बट हाँ इन सभी के लिए आप अप्लाई करोगे. एक और चीज़, बॉयज़ के साथ साथ यहाँ पे गर्ल्स अप्लाई कर सकती हैं, ठीक है. अब आप भी जानते हैं यहाँ पे एम्स में गर्ल्स के लिए 80% सीट्स होती है एंड बॉयज़ के लिए 20% सीट्स होती है. जिसको नहीं पता था वो यहाँ पे देख सकते हैं, बहुत क्लियरली मेंशन किया गया है. तो यहाँ पे मैं आपको कट ऑफ बता देती हूँ. सो बेसिकली 200 एमसीक्यूज होंगे, ठीक है, 200 एमसीक्यूज होंगे जिसमें से आपको 200 मार्क्स में से आपको कितना स्कोर करना है सो दैट आपका एम्स के किसी भी ब्रांच में, किसी भी इंस्टीट्यूशन में रिक्रूटमेंट हो जाए बीएससी नर्सिंग के लिए. सो सॉरी नर्सिंग ऑफिसर के लिए लगभग 3K के आसपास आपकी वैकेंसी आई है सारे ही एम्स को मिला के. तो 3000 रिक्रूटमेंट के लिए आपको एटलीस्ट 200 में से 125, ठीक है, आपको स्कोर करने होंगे. अगर आप इतना स्कोर करते हैं तो ये आपके लिए सेफ साइड होगा. एंड ऐसा नहीं है कि अगर यहाँ पे 122 या 120 या फिर 115 पे आपका रिक्रूटमेंट नहीं होगा. मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इसमें इससे कम आने पे रिक्रूटमेंट नहीं होगा, लेकिन हाँ अगर आप सेफ साइड लेके जाना चाहते हो तो 125 आपका कट ऑफ हो सकता है इस बार. और जैसे जैसे आपका लाइक नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इंक्रीज हो रहे हैं, कॉम्पिटिशन आपका इंक्रीज होता है एंड कट ऑफ भी इंक्रीज होती है, हाई जाती है. सो 125 के आसपास आपको लाना है, इससे कम नहीं लाना है, ताकि इन एनी हाउ किसी न किसी इंस्टीट्यूशन में आपका रिक्रूटमेंट हो. सो कोई डाउट हो आपको कट ऑफ रिलेटेड या कोई भी क्वेरी हो डेफिनेटली आप हमें कमेंट करो, ठीक है. तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. ऐसे कोई भी करियर रिलेटेड वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर सकते हैं. थैंक यू सो मच एंड टेक केयर.